नमस्कार दोस्तों, आज के जो वीडियो हैं बहुत ही सुंदर हैं। आज के जो वीडियो का जानकारी है गौ माता के पूंछ के बाल पहनने की गुप्त चमत्कारी का फायदे, या फायदे जान लिए तो कभी भी आपको कंगाली नहीं सताएगी, कभी भी आपको कुलक्ष्मी नहीं सताएगी, कभी भी आपको जीवन में असफलता नहीं मिलेगी। यह वीडियो ध्यान से देखना। देखिए, गौ माता को कहा जाता है इसके जो पूंछ हैं इसके अगर छूने मात्र से स्पर्शनम पापनाशनम, स्पर्श करने से पाप का शमन होता है, पाप का नाश होता है। गौ माता समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई हैं, जगत कल्याण के लिए देवताओं को अपने शरीर में स्थान दिए, आसन दिए हैं और इसके दूध को अमृत माना जाता है। इसके दूध पीने से समस्त प्रकार की बीमारी दूर हो जाते हैं। वेदों के अनुसार गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है, ऐसा वेद शास्त्रों में लिखा है। तो आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा नहीं मित्रों, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे हैं। इसके पूंछ से आज भी बहुत से लोग झाड़ा लगाते हैं, किसी को नजर दोष लगा हो, नजर उतारना हो तो गौ माता की जो पूंछ के बाल हैं इससे झाड़ा लगाने से बुरी नजर उतर जाता है, तत्काल उतरता है। गाय के दूध, घी, मक्खन, दही, गोबर, गोमूत्र से बना पंचगव्य हजारों रोगों की एक मात्रा अचूक दवा है। आज भी कैंसर जैसे भयानक बीमारी का उपचार गौ माता के जो पंचगव्य है इससे बने रत्न से किया जाता है। तो यह वीडियो बहुत ही सुंदर है। हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय माता से भी उच्च स्थान गौ माता के पूंछ के बाल का जबरदस्त चमत्कारिक एवं दुर्लभ प्रयोग बताऊंगा। अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिखना। आशा करूंगा आप मेरे छोटे से धर्म कार्य में मेरी सहायता जरूर करेंगे। मैं हर दिन बोलता हूं कि प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, एक छोटा सा हिंदू का परिवार है। मैं चाहता हूं मेरे चैनल में जुड़े हुए सभी लोगों को अध्यात्म की जानकारी हो, धर्म की जानकारी हो, ताकि वह लोग भी सुखी एवं संपन्न जीवन जी सके। और हाँ, इस वीडियो को अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो शेयर करना न भूलना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि जैसे भूमि में पैदा हुए और हम जो है आज हिंदू हैं। हमारे हिंदू धर्म जो है प्राचीन संस्कृति है, हमारे जो हिंदू धर्म है इसे कहा जाए तो सनातन धर्म कहा जाता है। तो गौ माता के बाल पहनने से क्या क्या चमत्कार मिलते हैं आइए जानते हैं। तो दुख और दुर्भाग्य ये दोनों अगर आपके जीवन में हैं, आप बहुत दुखी हैं, आपके जीवन में दुर्भाग्य आ चुके हैं तो गौ माता के बाल जरूर धारण करें, इससे दुख और दुर्भाग्य दूर होता है। वीडियो के आखिरी में बताऊंगा इससे किस प्रकार धारण करना होता है, कौन सी धातु में। अगर किसी को अकाल मृत्यु का खतरा बना हो या फिर मृत्यु योग हो, जिनके कुंडली में काल सर्प दोष लगा हो, पितृ दोष लगा हो, तो ये दोनों दोष मृत्यु योग बनाते हैं, तो इन योगों से बचने के लिए गौ माता की पूंछ की बाल अवश्य धारण करें। हमारे धर्म शास्त्र में ऐसा माना जाता है गौ माता को ग्रास खिलाने से अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होती। जो लोग धनवान बनना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए गौ माता को ग्रास अवश्य खिलाइए। नकारात्मक शक्ति हमेशा आपसे दूर भागेंगे अगर आप गौ माता की पूंछ की बाल अपने जो पहनते हैं, तो नकारात्मक शक्ति कभी भी आपको छू नहीं पाएंगे, आपसे कोसों दूर भागेंगे, आपसे जो है वो हमेशा दूरी बनाने की प्रयास करेंगे। मंगल दोष को समाप्त करने के लिए, विवाह में रुकावट आने से दूर करने के लिए गौ माता की पूंछ की बाल धारण अवश्य करना चाहिए। फिर जो आप पंडित हमारे वीडियो को देख रहे हैं धारण करा देना, अत्यंत लाभ मिलते हैं। रक्त संबंधी बीमारी हो या फिर रक्त संबंधी किसी भी प्रकार के रोग हो गया हो तो गौ माता की पूंछ की बाल पहना देने से अत्यंत लाभ मिलता है, क्योंकि गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास है। हनुमान जी महाराज मंगल का स्वरूप माने जाते हैं, मंगल से रक्त संबंधी बीमारी होती है, तो ये रक्त संबंधी बीमारी को भी दूर करने का काम करते हैं। गौ सेवा से दुर्भाग्य दूर होता है, गौ माता की सेवा करना शुरू करते हैं तो कैसा भी दुर्भाग्य हो दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होता है इसके पूंछ धारण करने के बाद, हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होता है और साक्षात माता कामधेनु का भी कृपा प्राप्त होता है, सदा ये तीनों आपके ऊपर में प्रसन्न रहेंगे। तो कौन सी गौ माता की जो है पूंछ की बाल धारण करें आइए इस वीडियो में जानते हैं। जो व्हाइट कलर का गौ माता हो, व्हाइट कलर की जो गैया हो, इसके पूंछ की बाल आप जो है धारण कर सकते हैं। इसे किस प्रकार से धारण करना होता है तो इसे हमेशा तांबे की ताबीज में 5 तुलसी पत्र के साथ में थोड़ा सा सिंदूर डाल करके मंगलवार के दिन धारण करना होता है। धारण करने का यही विधि है, थोड़ा सा आप जो है धूप का धुएं दिखा दीजिए और इसे धारण करें, आपको अत्यंत लाभ मिलेंगे। वीडियो में हमने जितने भी लाभ बताए हैं, गुप्त प्रयोग बताए हैं, ये आपको प्राप्त
हो जाएंगे। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर जरूर करें। आप भी हिंदू होने का गर्व जरूर निभाएं, इसे जरूर शेयर करें ताकि अन्य लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो, अन्य लोगों के साथ में यह जानकारी साझा करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय गौ माता।